ये हमारा लौकी है, इसे हमने कद्दूकस कर लिया है और एक बार इसे अच्छे से हाथों से दबा दबा के पानी निचोड़ लिया है। दोबारा टिप्स ये ऐड करें और इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। ये टिप्स फॉलो करने से आपके कोफ्ते कभी भी गीले नहीं होंगे, जो हम बाद में नमक या बेसन वगैरह डाल के सब मिक्स करके जो बनाते हैं ना, तो हमारे कोफ्ते गीले गीले हो जाते हैं। अब इसे मिक्स करके आप इसको ढक के 5 मिनट के लिए छोड़ दें। 5 मिनट बाद देखेंगे। चलिए इसे खोल के देख लेते हैं। हमारा 5 मिनट हो चुका है, ये देखिए अच्छे से इसे हाथ को अच्छे तरीके से वॉश करके और इसे इस तरीके से रोल करके सारा पानी निकाल लें। इसी तरीके से सारा निचोड़ निचोड़ के आप पानी अच्छी तरीके से इसे निकाल लें। ये आप देख सकते हैं, हमने एक बार इसे निचोड़ लिया है अच्छी तरह दबा दबा के। अब इसे हम दोबारा निचोड़ रहे हैं। अब इसे दोबारा अच्छी तरीके से प्रेस करके निचोड़ लें तो ज़्यादा अच्छा बेहतर रिज़ल्ट आपको मिलेगा। आपके कोफ्ते गीले नहीं होंगे और बहुत ही अच्छे मज़ेदार बनेंगे। इस तरीके से दबा दबा के आप दोबारा ये प्रोसेस करें। ये देखिए इस तरीके से इतना सारा पानी है इसके अंदर, आप देख सकते हैं। ये हम इसे तीसरी दफ़ा निकाल रहे हैं। नमक डालने से ये बेनिफिट होता है कि ये सारा पानी निकल जाता है और ये बाद में बिल्कुल भी हमारे कोफ्ते गीले नहीं होते। आप इसी तरीके से बनाएं, आपके कोफ्ते बिल्कुल भी गीले नहीं बनेंगे। इसी तरह से हम ये सारे निचोड़ लेंगे। ये आप देख सकते हैं, ये हमने तीसरी दफ़ा इसे अच्छी तरीके से निचोड़ लिया, इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है, ये बिल्कुल ड्राई हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे मसाले। तो ये आप देख सकते हैं, ये प्याज है, इसे बहुत ही बारीक चॉप काट लिया है। इसका पानी मैंने सारा निचोड़ दिया, ये सारा इसके अंदर ऐड कर देंगे। ये हमने प्याज ऐड कर दिया, आधी चम्मच हल्दी पाउडर, आधी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर, आधा चम्मच जीरा पाउडर और ये 4 चम्मच बेसन डालेंगे। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद चेक करेंगे कि हमारे कोफ्ते अच्छे से बन रहे हैं या नहीं बन रहे। अगर हमारे कोफ्ते अच्छे से नहीं बन रहे हैं तो हम इसमें और थोड़ा सा बेसन ऐड करेंगे। इस तरह से आप गोल करके चेक कर लें, लेकिन मुझे इसमें लगता है थोड़ा सा और बेसन ऐड करेंगे। तो आप देख सकते हैं इस तरह से मुझे कम लग रहा है इसमें बेसन, तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। मैं 2 चम्मच इसमें और ऐड कर रही हूँ और इसे मिक्स कर रही हूँ। तो ये हमारा बेसन अच्छी तरीके से मिक्स हो चुका है। आप बिल्कुल इसी प्रोसेसर से बनाएंगे तो आपके कोफ्ते बिल्कुल भी गीले नहीं होंगे। अभी हम इसके अंदर लास्ट में 1/2 चम्मच नमक डाल देंगे और इसे फौरन बना लेंगे, कोफ्ते बनाकर इसे फ्राई कर लेंगे। अच्छे अच्छे से मिक्स करके इसे हम रेडी कर लेंगे। आप इस तरह से इसे गोल गोल
कोफ्ते बना लेंगे। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, बड़ा साइज़ या छोटा साइज़। मैं नॉर्मल साइज़ ले रही हूँ। इस तरह से अच्छी तरीके से दबा दबा के गोल सारे को बना लेंगे, देख सकते हैं इस तरीके से। या आप देख सकते हैं हमारे कोफ्ते तैयार हो चुके हैं। आप चलते हैं इसे फ्राई कर लेते हैं। ये आप देख सकते हैं हमारा तेल गर्म हो चुका है। अब इसे धीरे 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 इसके अंदर डाल देंगे। इसे अच्छा गोल्डन होने तक, गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। इसे मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करेंगे, नहीं तो ये हमारा अंदर से कोफ्ते कच्चे रह जाएंगे। इस तरीके से आप इसे अच्छी तरीके से फ्राई कर लें। आप देख सकते हैं अगर गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। या आप देख सकते हैं कि हमारे कोफ्ते बिल्कुल अच्छा गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब मैं इसे निकाल लेंगे प्लेट। या आप देख सकते हैं हमारे कोफ्ते कितने अच्छी तरीके से तैयार हो चुका है बनके, और ये बिल्कुल स्पॉन्जी है, अंदर से ऊपर से क्रिस्पी है, और ये अंदर से अच्छे से पक चुका है। अब इसके चलिए मसाला तैयार करते हैं। ये हमने मिक्सर लिया है। ये हमारा एक दरमियानी साइज़ की प्याज और एक मीडियम साइज़ का टमाटर, इसे हम मिक्सर में डाल के इसका पेस्ट बना लेंगे। पीस लेते हैं। सकते हैं ये हमारा प्याज और टमाटर पिस चुका है। अब इसके अंदर हम सारे मसाले ऐड करेंगे। ये हमने लिया काली मिर्च पाउडर आधा चम्मच, आधा चम्मच जीरा पाउडर, एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर, एक चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, स्वाद अनुसार नमक, एक चम्मच हमारा अदरक लहसुन पेस्ट। अब इसे हम पका लेंगे। ये आप देख सकते हैं ये हमने कढ़ाई लिया है। कढ़ाई गर्म हो चुकी है। अब इसमें हम डालेंगे सरसों का तेल, थोड़ा सा सरसों का तेल ऐड कर दिया। अभी हमारा अच्छा गर्म होने तक, ये हमारा तेल गर्म हो चुका है। इसमें डालेंगे दो तेज पत्ते और आधा चम्मच जीरा, इसे थोड़ा सा सॉटे कर लेंगे। अब ये जो हमने मसाला तैयार किया है, अब इसमें ये सारे मसाले ऐड कर देंगे। अब इसे भून लेंगे। इसे अच्छी तरह से भून लें। आप देख सकते हैं कि हमने इसे 5 मिनट बाद खोल लिया है और इसे अच्छी तरीके से पका लेंगे। ये हमारा मसाला लगभग तैयार है। थोड़ी देर इसे अभी और भून लेंगे। ये आप देख सकते हैं हमारा मसाला ऑयल छोड़ दिया है। अब ये बिल्कुल रेडी है। अब इसमें हम थोड़ा सा डालेंगे पानी, इसके अंदर ऐड कर देंगे पानी। ये हमने थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया। अब अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ऐसे ढककर 5 मिनट पका लेंगे। ये देखिए इसमें एक उबाल आ चुका था। अब हम इसमें डाल देंगे अपना लौकी के कोफ्ते, ये सारे इसके अंदर ऐड कर देंगे।
चला लेंगे। ऐसे ढक के 5 मिनट पका लेंगे ताकि हमारे लौकी के कोफ्ते जो उसके अंदर अब्सॉर्ब हो। ये हमारा 5 मिनट हो चुका है, अब इसे खोल के देख लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे धनिया पत्ता। ये हमने धनिया पत्ता ऐड कर दिया, अब इसे मिक्स करेंगे। ये हमारे लौकी कोफ्ते तैयार हैं। 2 मिनट इसे ढक के पका लेंगे ताकि इसका सारा ऑयल छोड़ दें। तो आप देख सकते हैं हमारा लौकी कोफ्ता तैयार है। अब मैं इसे आपको तोड़ के दिखाती हूँ हमारे कितने सॉफ्ट बने हैं। ये देखिए कितने सॉफ्ट बने हैं, ये बिल्कुल सॉफ्ट बने हैं और ये खाने में बहुत ही लजीज और बहुत ही टेस्टी लगते हैं। आप इसे ज़रूर बनाइए, खाइए और बताइए कि हमारा कैसा लगा ये लौकी कोफ्ता। अगर आपको हमारा ये लौकी कोफ्ता वीडियो अच्छी लगी हो तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने फ्रेंड दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू सो मच।